नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल संध्या ह्यूमनिस्ट में। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ मनरेगा संविदा कर्मचारियों के लिए सूचना। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 12,000 से अधिक संविदा कर्मियों का यहाँ सामूहिक इस्तीफा पक्का किए जाने को लेकर 2 माह से कर रहे थे हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, हड़ताल कर रहे थे और उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आज मनरेगा इससे संबंधित यह सूचना है। जैसे कि राज्य सरकार की ओर से मनरेगा के तहत आने वाले 21 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विरोध में 9,000 रोजगार सहायकों समेत 12,371 संविदा कर्मचारियों ने दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में नियमित किए जाने की मांग को लेकर 2 महीने से हड़ताल कर रहे 12,000 से अधिक मनरेगा से जुड़े संविदा कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। कर्मचारियों की ओर से यह कदम शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से मनरेगा के तहत आने वाले 21 असिस्टेंट प्रोजेक्ट कर्मचारियों को बर्खास्त करने के बाद उठाया गया है। मनरेगा कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष टीकम चंद कौशिक ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कर्मचारी अप्रैल से सभी को नियमित करने, समान वेतन और कई अन्य मांगों को लेकर अप्रैल से धरना दे रहे थे और उन्होंने कहा कि शुक्रवार 3 मई 2022 को राज्य सरकार की ओर से अचानक बिना किसी कारण के 21 APU कर्मचारी की सेवा को समाप्त कर दिया गया। राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ और हमारी मांग के समर्थन में 9,000 रोजगार सहायकों समेत 12,371 मनरेगा के तहत आने वाले कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। मनरेगा के तहत टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में कार्य करने वाले कौशिक ने बताया कि सत्ताधारी दल की ओर से 2018 की चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया कि सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से इसे लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। संविदा कर्मियों का कहना है कि हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जीने के लिए नौकरी की सुरक्षा चाहिए। हमने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस नौकरी को दिया है। पिछले महीने संविदा कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत आने वाले रोजगार सहायकों का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 9,540 रुपये कर दिया गया था। वहीं संविदा कर्मचारियों की अन्य मांगों पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल की ओर से उस समय कहा गया था कि मनरेगा कर्मचारियों की मांग पर एक समिति बनाकर विचार करेगी। मनरेगा कर्मियों की ओर से लंबे समय से सिविल सेवा नियमित 1966 और पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की मांग की जा रही है। इसे लेकर मनरेगा कर्मियों ने दंतेवाड़ा जिले में सरकार के खिलाफ एक दांडी मार्च भी निकाला गया था, जिसे सहायक कर्मियों की ओर से तिरंगा मार्च नाम दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो ये रही मनरेगा कर्मचारियों की ओर से न्यूज के लिए न्यूज, जिसमें कुछ कर्मचारियों को निकालने की वजह से यह आंदोलन चला और उसमें बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों, आप लोग अपनी नौकरी को लेकर जागरूक रहिए, ये बहुत अच्छी बात है और आपके साथ कोई अन्याय ना हो सके, इसलिए आपको लड़ना भी चाहिए। दोस्तों आज की न्यूज यही रही मनरेगा के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।